हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से एक और नए रिक्वायरमेंट के बारे में जानकारी देने के लिए आ चुके हैं। दोस्तों बता दूं कि अगर आप लोग भारत सरकार के अंतर्गत स्टाफ नर्स का नौकरी करना चाहते हो और ANM GNM पास आउट हो तो बिल्कुल रूप से इस फॉर्म का आप अप्लाई कर दीजिएगा। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से ये रिक्वायरमेंट है। ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई करेंगे, चूँकि भारत सरकार की रिक्वायरमेंट है इसीलिए। साथ ही दोस्तों इस रिक्वायरमेंट के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना होता है। कैसे ऑनलाइन अप्लाई करेंगे या फिर ऑफलाइन अप्लाई करना होगा तो ऑफलाइन अप्लाई कैसे करेंगे, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाली है, सैलरी कितना मिलेगा, परमानेंट है या कॉन्ट्रेक्चुअल है, पूरी डिटेल्स जानकारी हम इस वीडियो के अंत तक जरूर कंप्लीट करेंगे। तो जरूर से जरूर इस वीडियो पर बने रहिएगा। दोस्तों बता दूं कि अगर आप लोग ये नोटिस अभी तक डाउनलोड नहीं किए हो तो इनका ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक हम बता देते हैं, उस पर जाकर के डाउनलोड कर सकते हो। या फिर टेलीग्राम ग्रुप का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल चुके हैं, तो टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पर भी जाकर के सारी रिक्वायरमेंट के बारे में जानकारी ले सकते हैं। दोस्तों बता दूँ कि अगर आप लोग बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, सीमा सड़क संगठन, जो कि भारत सरकार के एक ऑर्गेनाइजेशन है, इनके अंतर्गत यहाँ पर रिक्वायरमेंट निकाले गए हैं, हम आपको शॉर्टकट में जानकारी पूरी कंप्लीट कर देते हैं। दोस्तों बता दूं कि अगर यहाँ पर अगर आप लोग आओगे तो देख सकते हो सीरियल नंबर 2 पर मल्टी स्किल्ड वर्कर, यानी कि नर्सिंग असिस्टेंट मल्टी स्किल्ड वर्कर नाम रखा गया है, नर्सिंग असिस्टेंट जिसे बोल सकते हो। इसमें अगर बात करोगे तो टोटल 155 पोस्टों के लिए आप लोग अपना आवेदन कर सकते हो। आवेदन करने की अंतिम तिथि 22 जुलाई 2022 रखा गया है, तो 22 जुलाई 2022 से पहले सारे कैंडिडेट इस 155 सीटों के लिए बिल्कुल रूप से अपना आवेदन करेंगे। यहाँ पर क्वालिफिकेशन देख लीजिए, क्वालिफिकेशन देखेंगे मल्टी स्किल्ड वर्कर के लिए आयु 18 से 27 वर्ष रखा गया है, यानी कि 18 वर्ष मिनिमम और 27 वर्ष मैक्सिमम है। वहीं अगर यहाँ पर क्वालिफिकेशन देखोगे तो क्वालिफिकेशन अगर आप लोग नर्सिंग 1 वर्षीय सर्टिफिकेट कोर्स की हो तो अप्लाई कर सकते हो। साथ ही अगर आप लोग ANM का कोर्स कर चुके हो, यहाँ पर देख लीजिए ANM स्पष्ट लैंग्वेज में लिखा हुआ है, स्पष्ट यहाँ पर ANM का कोर्स किए हो तो यहाँ पर आप लोग अपना अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों अगर आप लोग GNM का कोर्स किए हो फिर भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो जो कैंडिडेट ANM GNM यहाँ पर कंप्लीट किए हो, ये परमानेंट रिक्वायरमेंट है, आप लोग अप्लाई जरूर से ज़रूर कीजिएगा। इसके लिए दोस्तों कुछ करना नहीं है, आप लोग डायरेक्ट मैं आपको बता देता हूँ, www.bro.government.in के वेबसाइट पर चले जाइए और वहाँ पर पूरे 19-20 पेज का PDF आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा इस रिक्वायरमेंट से रिलेटेड, और खुद पढ़ के पूरी जानकारी कंप्लीट मिल जाएगा और ऑनलाइन कर दीजिएगा। या फिर ऑफलाइन करने का यहाँ पर प्रोसेस है तो आप लोग ऑफलाइन कर दीजिएगा अपना आवेदन। दोस्तों बता दूँ अगर आप लोग इस नोटिस को डाउनलोड करने के बाद अगर वहाँ से भी पूरी जानकारी कंप्लीट नहीं होगा तो हमें कमेंट करिएगा, हम आपको एक नया वीडियो बना देंगे और पूरी जानकारी कंप्लीट कर देंगे। यहाँ पर हम आपको शॉर्टकट में बता दिए, ANM पास आउट कैंडिडेट यहाँ पर 22 जुलाई 2022 से पहले अपना ऑनलाइन करिएगा या ऑफलाइन होगा तो ऑफलाइन करिएगा। 155 सीट है, कैटेगरी वाइज सीट डिटेल्स भी है, जैसे कि जनरल के लिए 56, SC के लिए 26, ST के लिए 13, OBC के लिए 44 और EWS कैटेगरी है तो 16 सीटों के लिए आप लोग अपना आवेदन करेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस ANM रिलेटेड जानकारी को अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। इसी तरह से नई नई रिक्वायरमेंट वाला वीडियो हम बनाते रहते हैं। अगर आपको भी वीडियो अच्छा लग रहा है और टाइम टू टाइम सारे नोटिफिकेशन चाहिए जॉब से रिलेटेड या कोई भी हेल्थ डिपार्टमेंट से रिलेटेड, तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमें तो सपोर्ट मिलेगा ही, साथ ही आप लोगों के लिए कोई मैं नया वीडियो बनाऊंगा तो सबसे पहले आपके पास तक पहुंचा सकूंगा। दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।